गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से आगे बढ़ना। आप भी लगातार आगे बढ़ रहे होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं और घर में पढ़ करके आप भी अपने आप में सुधार कर रहे होंगे, सुरक्षित होंगे और सब लोग चलिए लगातार उसी प्रकार से आप अपने आप में प्रोग्रेस करते रहिए। लगातार आगे बढ़ना जरूरी है क्योंकि आपने सुना भी होगा कि अगर हम लोगों ने आज कुछ ऐसा बेहतर कार्य नहीं किया जिससे आगे आने वाले कल में हम अपने आप को कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव पाए तो इसका मतलब है कि हमने अपना धर्म नहीं निभाना। यही इंसानी धर्म है कि हम कुछ ना कुछ हमारा ऐसा कर्तव्य होता है कि उस जीवन के पथ पर हम लगातार आगे बढ़ते रहे। हमारे अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ, कुछ ना कुछ विकास होना जरूरी है। अगर वो विकास रुक जाता है तो इसका मतलब है कि हमने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया। तो आप भी लगातार जब तक हमें सीखना है, सीखता तो इंसान जिंदगी भर लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसी प्रकार हमें भी लगातार कुछ ना कुछ सीखना है। इसलिए हमने पहले कुछ सीखे, बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश में तो जितने ज्यादा ज्यादा इंग्लिश में वर्ड आते हैं उतने ज्यादा हमारे लिए आसान होता है, तो हमने कुछ वर्ड सीखे थे, फिर अगले दिन कुछ और वर्ड सीखे, फिर और वर्ड सीखे। इसी प्रकार आपके सामने फिर से 10 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको फिर से सीखने हैं। हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको पता भी हो, आज हमने ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं लिखे, थोड़ा सिंपल से वर्ड्स हैं लेकिन बेनिफिशियल है, यूजफुल होते हैं। ज्यादातर इनका यूज हमारे जीवन में होता रहता है और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से और आप भी फटाफट जुड़ जाइए और इस डिटर्मिनेशन के साथ में कि हमें अंत तक वीडियो को देखना है, पढ़ना है, कुछ सीखना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं कि नहीं आया वीडियो या कुछ, तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको सीखने का जुनून होना चाहिए तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। आपको लगेगा कि हमने पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ा, ये वीडियो देखा, हमें कुछ आया, लेकिन अगर इंटरेस्ट के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, फेथफुल होकर के आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे जब ये चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी तो आप इतना कंफ्यूज रहेंगे कि आपको क्लियर ऑप्शन नहीं पता चलेगा, क्लियर मीनिंग नहीं पता चलेगी और आप गलती कर सकते हैं। तो इसलिए आप मजाक के तौर पर पढ़ाई को बिल्कुल मत लीजिएगा, किसी भी पॉइंट को हल्के में मत लेना, कह रहे ये तो बहुत इजी है। कभी कभी बहुत इजी चीज भी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हमसे गलत हो जाती है, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी ना रहे। अपने आप को किसी से कम भी मत समझे, लेकिन कभी भी आप अपने आप को इतना होशियार भी ना समझे कि दूसरे लोग आपको छोटे लगने लगे। याद रखिएगा, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, आप इस बात का याद रखना कि आप कभी ओवर स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस में मत आए। आपके अंदर एरोगेंस नहीं आना चाहिए। जिस दिन एरोगेंस प्राइड आ गया इसका मतलब आपने अपनी अज्ञानता का सबूत दे दिया। तो ज्यादा बात हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से 10 वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। द फर्स्ट वर्ड इज रेच, अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। रेच का मतलब बहुत दुखी, दीन हालत में, अभागा जिसे बोल सकते हैं, अनलकी, अनफॉर्चुनेट, उसी में एक वर्ड लिखा हुआ है माइजरेबल। याद रखिएगा, बढ़िया वर्ड है आपका, माइजरेबल की जगह आप रेस्ट का यूज करें, थोड़ा अपना इफेक्ट दूसरों पर बढ़ाएं। याद रखिएगा, आप जब समाज में अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, एक दिन मैं आपको इंट्रोडक्शन का एक वीडियो लेके आने वाला बहुत जल्दी कि अपने आप को लोगों के सामने कैसे इंट्रोड्यूस करें, किस पोजीशन में, फॉर्मल या इनफॉर्मल, आप ऑफिशियल लेवल पर आए, कहीं ऑफिस में है, इंटरव्यू में है, किस कंडीशन पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे कैसे इंट्रोडक्शन दें, या नॉर्मल जब हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, रिलेशन में होते हैं तो कैसा दें। दोनों चीजों को मैं इतने एक्सप्लेन इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, एक बार में क्लियर हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो देखिए दूसरा वर्ड, अगला वर्ड है रेक। रेक का मतलब नाश, पतन, डिस्ट्रक्शन, रियून, ऐसा वर्ड जिसमें आपको तबाही समझ में आती है। तो डिस्ट्रक्शन जैसे एक वर्ड होता है, डिटेरियोरेट, डिजास्टर, याद रखिएगा इनका सबका मतलब है पतन होना, नाश होना, डिस्ट्रक्शन, रियून, याद रखिएगा रेक। नेक्स्ट वर्ड है आपका विजिलेंट, ये तो नॉर्मल वर्ड है, आपने सुना होगा। विजिलेंट का मतलब केयरफुल, जो बहुत रहता है, कॉशियस रहता है, सचेत रहता है, चेतावनी से भरा रहता है, सतर्क रहता है, ऐसा वर्ड कहलाता है आपका विजिलेंट। एक ऐसा पर्सन भी आपका ये एडजेक्टिव तरह कार्य करता है। द नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब जो युगों युगों से चला आ रहा है,
सनातन है, लगातार चला आ रहा है और उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा, जिसका कोई भी अंत नहीं है। जैसे क्या बोलते हैं, इटर्नल, एंडलेस, एवरलास्टिंग, जो फॉरएवर चलता रहता है, ऐसा माना क्या कहलाता है, परपेचुअल। तो परपेचुअल का मतलब होता है सनातन या इटर्नल, जो लगातार चलता रहे, जिसका कोई भी अंत नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड इज मेलंकोली, अच्छा वर्ड है। मेलंकोली का मतलब उदास, परेशान, दुखी, खिन्न अवस्था में, ग्लूमी, सैड, सोरोफुल, ग्रीव, ये कहलाता है हमारा मेलंकोली। अगर आप सैड की जगह, ग्लूमी की जगह मेलंकोली का यूज करें तो आप थोड़ा और अपने आप को बेहतर साबित कर पाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह, विद्रोही, विद्रोह करना जो होता है, म्यूटनी मतलब विद्रोह करना। जैसे एक अपने सुनो को रिबेलियन होते हैं, विद्रोह करने वाले, तो रिबेल, रिवोल्ट, रिवोल्यूशन, क्रांतियां तभी आती है जब हम किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, विद्रोह करते हैं। तो वही वहां पर लिखा हुआ है, म्यूटनी मीन्स विद्रोह करना या रिवोल्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज, ये देखिएगा आपका अच्छा वर्ड है नॉल। नॉल का मतलब दुष्ट, रास्कल, रोगी, ऐसा जो पर्सन होता है, थोड़ा धूर्त टाइप का होता है, नालायक, दुष्ट, विक्ट पर्सन होता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, नॉल। याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है नॉल, इसमें के आपका साइलेंट रहेगा, याद रखिएगा नॉल, दुष्ट या रोगी या रास्कल, ऐसा जो वर्ड होता है नॉल, उसकी जगह आप नॉल यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं फोर्टिट्यूड, क्या लिखा हुआ है, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब धैर्य, पेशेंस, करेज, हिम्मत जिसके अंदर होती है, सहनशीलता होती है, एंड्योरेंस होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड का मतलब एंड्योरेंस, धैर्य, पेशेंस, सहनशीलता, जिसे बोलते हैं एंड्योरेंस, वही होता है फोर्टिट्यूड। अगला वर्ड है आपके सामने फीन, याद रखिएगा फीन, FEIGN, बढ़िया वर्ड है, आप इसको याद रखिएगा। फीन का मतलब होता है बहाना बनाना, प्रिटेंड, बहाना बनाना, प्रिटेंड का मतलब ये होता है, बहाना बनाना मतलब यही है कि जैसा भी पूछे वैसा ना दिखाना, कुछ घुमा फिरा करके बच निकलने की कोशिश करना, ऐसा बहाना बनाना जो होता है वो फीन कहलाता है, मतलब प्रिटेंड, इसी से बनता है प्रिटेंडियस, याद रखिए बहानेबाज जो पर्सन होता है प्रिटेंडियस एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। देखिए एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, तब आपको और भी आसान हो जाएगा इंग्लिश, कि जो भी हमारा इडियम्स फ्रेज लिखा है या कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखा है, सिनोनिम, एंटोनिम, कहीं पर भी, वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को इशारा करता है, वो नाउन की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, वर्ब की तरह कार्य करता है। जब ये चीजें आपको आने लगेंगी तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा कि कहां पर हमें कैसे यूज करना है, और उससे रिलेटेड अगर कभी एरर फाइंड आउट करने को आती है तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। कभी भी उसकी जगह सिनोनिम लिखने को आए या उसका एंटोनिम लिखने को आए, जो भी है, जब हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से कार्य कर रहा है, वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह लिखा हुआ है, उस समय आपका बहुत इजी हो जाता है। द लास्ट वर्ड इज डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, लिबेलस, इंसल्टिंग, यही हमारा क्या कहलाता है, डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, अवज्ञा, अवहेलना सूचक, यहां पर किसी का अवहेलना कर दी जाए, अपमान सूचक हो, इंसल्टिंग हो, ऐसा क्या कहलाता है हमारा, डेरोगेटरी। तो ये 10 आपके वर्ड्स थे, अच्छे वर्ड्स हैं। देखो कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, कुछ भी खराब नहीं है और कोई भी बहुत अच्छा नहीं। मैंने पहले बोला था, कुछ भी आपका सीखना, अगर हमें सीखना है इंग्लिश में, कुछ भी सीखना है, कहीं पर भी कुछ सीखना है, तो छोटी छोटी चीज भी हमें सिखा देती है, अगर हम सीखना चाहें तो। हमारे अंदर अगर जुनून है, अगर हम डिलीजेंट हैं, सीखना चाहते हैं, मेहनती हैं, तो हमें हर चीज सिखा देती है। और अगर सीखना ही नहीं चाहते हैं, हमारे अंदर सीखने की कोई ईगरनेस नहीं है, उत्सुकता नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, तो फिर हमें कोई गोल के भी नहीं मिला सकता। याद रखिएगा, आपको सीखना है, हर छोटा छोटा पॉइंट लेके चलना है। जब आप बेसिक लेके चलेंगे, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, तभी आप ऊंचे लेवल तक आसानी से पहुंच जाएंगे और अपने आप को वहां पर स्टेबल कर पाएंगे। लेकिन अगर बेस कमजोर हो गया तो आप ऊपर जाना तो चाहते हैं, लेकिन जब बेस ही कमजोर है तो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन नीचे गिरने का आपका खतरा रहता है। इस वजह से आप हर पॉइंट के बहुत अच्छे से क्लियर करते चले, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते चले, बिल्कुल अपने आप में ढालते चले उसको, बिल्कुल। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज हम मॉडल वर्ब्स के बारे में, लास्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा मॉडल वर्ब का
लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने क्या पढ़ना है, हमको आज यूज टू का यूज पढ़ना है, डेयर और नीड का यूज कर, इसी तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक टेबल से। आज हम आपको फिर एक टेबल बना के समझाएंगे एक साथ अच्छे से, ताकि क्या होता है टेबल से आपको क्या होगा कि बहुत सारा अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा और एक टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए चलिए सबसे पहले आप इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे मॉडल्स की ओर। क्लियर हो गया? चलिए अब नजर डालते हैं टेबल पर। चलिए देखते हैं, बोर्ड पर नजर डालिएगा, मैंने टेबल बना रखी है, इस टेबल के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। देखिए ध्यान समझिएगा, यूज टू, डेयर और नीड, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जब क्लासिफिकेशन मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें वर्ब का क्लासिफिकेशन किया था, जब वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब की आई थी तो मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्लासिफिकेशन किया था। वहां पर मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एक पॉइंट और बताया था, मार्जिनल मार्जिनल वर्ब, वहां पर मैंने बताया था कि यूज टू, डेयर और नीड ये मार्जिनल वर्ब में रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग मॉडल वर्ब दैट्स मीन हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है और इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो हमारी डेयर, स्पेशली डेयर और नीड दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी समझना, डेयर और नीड ये सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती हैं और ये सेंटेंस में स्वयं ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करती है, दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं होती। जब ये मेन वर्ब की तरह कार्य करती हैं तो इनका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट का रोल बहुत अहम होता है। वहां पर इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने में डू नॉट डज नॉट का यूज किया जाता है, दोनों में, चाहे नीड हो चाहे डेयर हो, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे इनका यूज कब किया जाएगा, किस कंडीशन में यूज सही है, कब इनसे रिलेटेड एरर पूछी जाती है और क्या गलती हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं यूज टू पर। स्पेशली याद रखिएगा, यूज टू पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम किसी भी पर्सन की पास्ट की आदत बताते हैं, वो व्यक्ति ऐसा किया करता था, ऐसा करता होगा। देखो इससे पहले मैंने वुड का यूज बताया था, ध्यान सुनेगा, वहां पर भी मैंने लिखा था कि पास्ट की हैबिट बताने में, तो इसका मतलब है आप यूज्ड टू की जगह वुड का यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू की जगह वुड का यूज कर सकते हैं जब हम किसी की आदत बताएं। जैसे वो सुबह टहलने जाया करता था, ही यूज टू गो, टहलने जाया करता था, या ही वुड गो, दोनों चीजें। तो पास्ट की जब हम हैबिट या सिचुएशन एक्सप्रेस करते हैं तो वही मैंने पहला पॉइंट लिखा है, टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट हैबिट या सिचुएशन, किसी भी पर्सन की भूतकाल की कोई स्थिति, स्थिति मतलब उसकी क्या पोजीशन थी, क्या किया करता था, या उसकी हैबिट में जो था उसको जब एक्सप्रेस करते हैं तो हमें यूज टू का प्रयोग करना है। यूज्ड टू लगा है इसका मतलब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव तरह कार्य करती है, ये मैंने इससे पहले भी बताया था। ऑट टू एंड यूज्ड टू यही तो ऐसी वर्ब है जिन जो इन्फिनिटिव लेती है, मतलब इनके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, बाकी कहीं पर नहीं लगता टू। तो वो सुबह टहलने जाया करता था, used to walk, वो टहला करता था, इन नमानी सुबह, वो सुबह टहला करता था, उसकी हैबिट है, वो टहला करता था, उसके हैबिट में था, रोज ऐसा काम करता था। She used to play Ludo, वो लूडो खेला करती थी before her marriage, शादी से पहले, शादी से पहले लूडो खेला करती थी, सिचुएशन उसके हैबिट में था लूडो खेलना। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी की हैबिट या सिचुएशन पास्ट की, याद रखिएगा पास्ट की हैबिट बतलाते हैं, भूल कर भी कभी भी प्रेजेंट की हैबिट बताने में आप यूज टू या यूजेज टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे प्रेजेंट में कह दिया जाए वो सुबह टहलने जाया करता है, तो ये नहीं लिखेंगे ही यूजेज टू गो देयर, टू गो फॉर ए वॉक, बिल्कुल गलत है। यूज्ड टू का प्रयोग सिर्फ पास्ट की हैबिट के लिए होता है, इसका प्रयोग कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता, वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। ही यूजेज टू स्मोक, गलत है, ही स्मोक्स लिखेंगे, याद रखिएगा। यूज टू का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट में हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, कभी भी यूज टू या यूजेज टू का यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा, हमेशा पास्ट में आएगा, वहां पर
आप सीधे प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाएंगे, ही यूजेस टू स्मोक गलत है, ही स्मोक्स आएगा। क्लियर? आगे देखते हैं, यूज टू की जगह वुड का यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा भी कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए वुड का यूज भी करते हैं, किसी की भी पास्ट की आदत बताया जाए तो आप वहां पर यूज टू की जगह वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, ऊपर लिखा था यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, सेम सेंटेंस लिखा ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह टहला करता होगा, वो सुबह टहला करता था, उसके हैबिट में था सुबह टहलने जाना। ठीक, जैसे हम कभी कभी स्टोरी सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, बताया ऐसा किया करते होंगे। अब हमने देखा तो है नहीं, लेकिन बताया जब जाता है तो उस कंडीशन में स्टोरी में होता है, तो वहां वुड, वो जब राजा जैसे किसी अपने मंत्री से सलाह लिया करते होंगे तो किंग वुड कंसल्ट। तो याद रखिएगा, जब किसी की पास्ट की हैबिट ऐसा करते होंगे, ऐसा किया करते होंगे या ऐसा किया करते थे, वहां पर यूज टू की जगह आप वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि जब महात्मा गांधी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, तो वहां लिखा मैंने महात्मा गांधी यूज टू स्पिन, तो वहां पर हम ये भी लिख सकते हैं महात्मा गांधी वुड स्पिन इन द आफ्टरनून। याद रखिएगा, यूज टू की जगह वुड, किसी की पास्ट की हैबिट बताने के लिए, किसी भी पर्सन की। आगे देखिए, ये अच्छा पॉइंट है, टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूड हैबिट। डिसकंटिन्यूड मतलब किसी व्यक्ति की कोई आदत थी पास्ट में, लेकिन अब वो आदत बदल गई है, कोई दूसरी आदत लग गई, उस कंडीशन में सिर्फ यूज्ड टू का यूज करेंगे, वहां पर यूज्ड टू की जगह वुड नहीं लगेंगे। फिर से ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, किसी भी व्यक्ति की डिसकंटिन्यूड हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब जैसे बाय चांस मान लिया मेरी कोई आदत थी, तो मैं कोई कार्य पहले करता था, लेकिन एक समय के बाद वो आदत ब्रेक हो गई और दूसरी आदत पड़ गई। ध्यान समझिएगा, ही यूज टू ड्रिंक बियर, वो बियर पिया करता था, लेकिन ही ड्रिंक्स वाइन, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, अब वो वाइन पीने लगा है। तो ये डिसकंटिन्यूड, तो जब डिसकंटिन्यूड हैबिट आएगी तो यूज्ड टू का प्रयोग ही करेंगे, यहां पर आप यूज टू की जगह वुड नहीं लगा सकते। वुड तभी लगेगा जब किसी की ऐसी आदत आजीवन रही हो कि नहीं ऐसा किया कर, लेकिन अगर किसी की आदत कुछ समय तक रही और फिर बदल गई, वहां पर आप यूज टू ही लगाएंगे। He used to drink beer, now he drinks wine. ऐसा काम किया करता था, अब नहीं करता, अब दूसरा कर लिया। देखिए, मैंने नीचे बताने की कोशिश की है, he uses to smoke गलत है। प्रेजेंट में कभी भी हम यूज टू या यूजेज टू का यूज नहीं करेंगे, पास्ट की हैबिट बताने के लिए ही यूज टू का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, फिर से मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति की पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह आप वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब डिसकंटिन्यूड मतलब जब आदत किसी की बदल गई हो बीच में, तो वहां यूज टू ही आएगा। ध्यान से समझते चलिए और आप लिखते भी चला करें कि किस प्रकार से मैं बताता चलता हूं कि कैसे कैसे यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट की किसी की हैबिट बताने के लिए यूज नहीं किया जाता है, आप ये नहीं करेंगे यूज टू। हाँ, अगला पॉइंट आप सुनिएगा ध्यान से, इसके बाद हम और एग्जांपल लिखेंगे, वहां से आपको क्लियर होगा। आप निगेटिव में इनका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे ही डिड नॉट यूज टू, वो ऐसा नहीं किया करता था, तो डिड नॉट जब लगेगा तो यूज से आपका डी हट जाएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू का सेकेंड फॉर्म है, तो यूज से आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप पास्ट की हैबिट बताने में अगर निगेटिव सेंस में जाते हैं तो डिड नॉट लगाएंगे, तो यूज्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज लगाना पड़ेगा, रहेगा पास्ट में ही डिड नॉट यूज टू गो टू टेम्पल डेली, वो रोज मंदिर नहीं जाया करता था, उसके हैबिट में नहीं था रोज मंदिर जाना। क्लियर? या सीधे यूज्ड नॉट टू आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यूज्ड नॉट टू कर दो या डिड नॉट यूज, अभी हम एक एग्जांपल लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत ध्यान समझिएगा, डेयर हिम्मत करना, डेयर का मतलब हिम्मत करना। इसका यूज दो तरीके से होता है, एक तो जब पर्सनल कोई व्यक्ति हिम्मत करता है कोई काम करने की, या दूसरा जब किसी को चैलेंज दिया जाता है, किसी को चुनौती दी जाती है कि क्या तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है। आपने एक बार अक्सर सुना होगा कि जब कोई किसी की चीज बिना पूछे छू लेता है या कोई भी बिना पूछे कोई कार्य कर लेता है, तो वहां पर अक्सर ज्यादातर लोग बोलते हैं हाउ डेयर यू, ये बहुत यूज होता है, मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई,
तो एक तो हिम्मत करने के लिए और दूसरा किसी को चुनौती देने में भी इसका यूज होता है। अब फिर कोई बात आती है, मार्जिनल वर्ब है, मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग की जाती है और ऑग्ज़िलरी वर्ब की तरह। जब मेन वर्ब की तरह यूज की जाएगी तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेयर्स और डेयर लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डेयर्स कर देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डेयर ही रहेगा। मैंने बोला जब डेयर का यूज मेन वर्ब की तरह करते हैं तो समझ लीजिए पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रोल होता है। डेयर का यूज ऐसे नीड में भी है, मेन वर्ब की तरह करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डेयर्स, प्लूरल तो डेयर। तो वहां पर साहस करना या हिम्मत करना, ही डेयर्स टू गो देयर, उसके अंदर वहां जाने की हिम्मत है, ही डेयर्स टू गो देयर, उसके अंदर वहां जाने का साहस है या उसने वहां जाने, वो वहां जाने का हिम्मत करता है, मतलब वो उसके अंदर हिम्मत है। ही डेयर्स टू गो देयर। पास्ट की अगर बात कर दें तो ही डेयर्ड टू कॉल मी अ फूल, उसने मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत की, मतलब उसने मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत दिखाई, उसके अंदर हिम्मत थी, उसके अंदर साहस था, उसने मुझे मूर्ख कह दिया। तो जब इनका प्रयोग याद रखिएगा मेन वर्ब के रूप में होता है तो प्रेजेंट में भी प्रयोग करेंगे, पास्ट में भी प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डेयर्स कर देंगे, प्लूरल है तो डेयर ही रहेगा। एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा सबसे जरूरी बात। अभी एक पॉइंट और बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, अभी नीचे आएगा। अब देखो लिखा है टू चैलेंज, जब किसी को चुनौती देना, आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच, मैंने उसे मैच जीतने की चुनौती दी। अक्सर जब बात करते हैं तो चुनौती देते हैं, भला जीत लो हमसे मैच, तो वही है कि जब किसी को चुनौती देते हैं तो वहां पर डेयर का यूज करते हैं। आई डेयर्ड हिम, पास्ट की बात है तो डेयर्ड लगा दिया, ठीक। तो प्रेजेंट में भी आप बात कर सकते हैं, तो टेंस के आधार पर आप डेयर, डेयर्स और डेयर्ड कर देंगे एज अ मेन वर्ब। याद रखिएगा आई डेयर्ड हिम, मैंने उसे मैच जीतने की चुनौती दे डाली, मैंने उसे चुनौती दिया, मैंने चैलेंज किया कि मैच जीत लो। आगे देखिए, अब ये दो पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, यहां से बहुत जरूरी पॉइंट आपको क्लियर होगा और एरर कैसे। यहां पर देखिएगा, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसके अंदर हिम्मत नहीं है टू गो देयर, वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, वहां जाने की हिम्मत नहीं रखता है, वहां जाने का साहस नहीं है। मतलब डेयर मेन वर्ब रूप में यूज की गई, ये देखो लिखा हुआ डज, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये हेल्पिंग वर्ब, जब ये हेल्पिंग वर्ब तो डेयर मेन वर्ब, ध्यान समझिएगा। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं है, उसने वहां जाने का साहस नहीं है, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, उसके अंदर साहस नहीं है। तो ये मेन वर्ब है, क्या लिखा मैंने अंडरलाइन किया टू गो। नीचे देखिए, ही डेयर नॉट गो देयर, सेम सेंस रखता है। अब यहां पर डज नॉट डेयर लिखा था, यहां पर डेयर नॉट लिखा है, ऊपर ये मेन वर्ब की तरह है और यहां पर सीधे सीधे मॉडल वर्ब की तरह यूज की गई है, अर्थ दोनों का सेम है, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है, वहां जाने की हिम्मत नहीं रखता है, साहस नहीं उसके पास। कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए टू गो लगा है जबकि यहां पर आपका सिर्फ गो लगा है। अगर यहां पर टू लगा दिया तो एरर है। अब ध्यान से समझिएगा, जब डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में होगा तो उसके बाद आने वाली वर्ब इन्फिनिटिव में लिखी जाएगी, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे वो सेंटेंस निगेटिव हो, चाहे वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला, जब डेयर का यूज, मतलब व्हेन डेयर इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, डेयर का यूज मेन वर्ब की तरह है तो डेयर के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटिव, हमेशा इन्फिनिटिव होगी। डेयर्स प्रेजेंट में है, टू गो लिखा है, अफर्मेटिव है इस वजह से, पास्ट में है तब भी यहां पर इन्फिनिटिव लिखा है, अफर्मेटिव क्यों, ये मेन वर्ब है, जब मेन वर्ब के रूप में यूज की जाएगी तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है इन्फिनिटिव वर्ब ही आएगी, वहां टू लगाना पड़ेगा, अगर हटा दिया तो गलत है, याद रखना। ये देखिए
यहां पर भी आपका टू विल लिखा है, क्यों? मेन वर्ब, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, मेन वर्ब के रूप में अगर यूज किया गया है तो इन्फिनिटिव ही आएगी, टू लगाना पड़ेगा। लेकिन जब डेयर नॉट का यूज कर दिया जाए मॉडल वर्ब की तरह, वहां डू डज नहीं लगा, जब डेयर नॉट का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में फिर आपको इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना। आप इस एग्जांपल समझ सकते हैं, ही डज नॉट डेयर टू गो, सही है क्योंकि ये मेन वर्ब है, डज नॉट डज हेल्पिंग वर्ब, डेयर मेन वर्ब, टू गो बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे डेयर नॉट लिखा, दोनों का अर्थ सेम है, यहां पर डेयर नॉट, तो कहने का मतलब जब डेयर नॉट का यूज होगा, डेयर नॉट एक साथ, तो वहां पर इन्फिनिटिव नहीं लिखेंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर नॉट का यूज है, और इंट्रोगेटिव तो डेयर से स्टार्ट है, कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आएगी। नीचे देखिए, हाउ डेयर यू टच, अगर हमने यहां पर टू लगा दिया तो तुरंत ये गलत हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छूनेगी। हाउ डेयर यू टू टच, तो टू टच लगा दिया, तुरंत गलत। डेयर का यूज डेयर नॉट निगेटिव सेंस में या इंट्रोगेटिव सेंस में किया गया है एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आएगी। अफर्मेटिव में तो आएगी, लेकिन अफर्मेटिव में तो आएगी इन्फिनिटिव, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं आएगी। डेयर सी अपोज, तो यहां पर टू अपोज नहीं आएगा, टू अगर लगा दिया तो गलत है। याद रखिएगा, मैंने जो पॉइंट बताया है वो आप ध्यान से सुनिएगा, सही से समझिएगा। अभी और एग्जांपल बताएंगे, ये आपका टेबल की तरह बताए, इस वजह से थोड़ा नजदीक है, आप बस शब्दों को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, और वही आप पिन डाउन करेंगे कॉपी पे, राइट डाउन करते चलेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, डेयर का यूज हिम्मत करना, किसी को चैलेंज देना या पर्सनल हिम्मत करना, जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर प्रेजेंट में है तो डेयर्स भी करेंगे, प्लूरल है तो डेयर रहेगा। इसका प्रयोग पास्ट में भी किया जाता है। अब एक पॉइंट सुनिए, जब इसका प्रयोग अफर्मेटिव में किया गया है, आगे अगर वर्ब आती है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है तो चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव है, डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में है तो आगे आने वाली वर्ब इन्फिनिटिव ही रहेगी। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इन्फिनिटिव नहीं लगता। आगे देखो, नीड, नीड का मतलब जरूरत होना, आवश्यकता होना, जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, नीड होती है, तो मैंने बोला नीड होती है तो नीड कही, रिक्वायरमेंट या नेसेसरी, कोई आवश्यकता कोई जरूरत है तो उस कंडीशन में देखिए, ही नीड्स बिल्कुल डेयर की तरह, डेयर और नीड का यूज बिल्कुल एक तरह है, केवल अर्थ में भिन्न है, कंडीशन और रूल्स दोनों में सेम अप्लाई होते हैं, केवल अर्थ भिन्न है, यूज अर्थ के आधार पर, अदरवाइज इनका प्रयोग बिल्कुल कंडीशन रूल्स दोनों के लिए सेम है। जिस रूल से मैंने यहां बात करी वही रूल, ही नीड्स सिंगुलर है, नीड्स कर दिया मेन वर्ब है, प्लूरल है तो नीड है, ध्यान सुनिएगा, ही नीड्स माय हेल्प, उसे मेरे हेल्प की जरूरत है, आई नीड ए बुक, मुझे किताब की जरूरत है। ही सिंगुलर था, नीड्स कर दिया, प्लूरल है नीड कर दिया, और यहां देखो ये पास्ट में कर दिया, ही नीडेड टू टॉक टू हर, उसे उसे बात करने की जरूरत थी, उसे बात करना चाहिए था, मतलब आवश्यकता थी बात करने की, तो प्रेजेंट में है, सिंगुलर है तो नीड्स, प्लूरल है तो नीड, और पास्ट में क्या तो नीडेड। यहां पर ये मेन वर्ब की तरह यूज है, याद रखिएगा, नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह यूज किया गया, मैंने साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। आगे देखते हैं, ही डज नॉट नीड, यहां पर देखो ये डज लग गया, यहां पर भी मेन वर्ब है, ही डज नॉट नीड टू गो, आगे हम देयर जोड़ सकते हैं, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ही नीड नॉट टू गो देयर, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, आई नीड नॉट टू गो देयर। अब देखिए, मैंने जैसे भी यहां पर लिखा था, ही डज नॉट डेयर टू गो और ही डेयर नॉट गो, मेन वर्ब के रूप में तो टू गो लगा है, लेकिन जब मेन वर्ब नहीं है तो टू हट गया, सेम पॉइंट, डज नॉट नीड टू गो देयर, वहां जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मेन वर्ब के रूप में लिखा है, टू लगा है, लेकिन अब यहां पर आ गया नीड नॉट, नीड नॉट,
तो तुरंत याद रखिएगा, जैसे ही नीड नॉट का यूज करेंगे इनफिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। नीड नॉट के साथ इनफिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा, मतलब टू नहीं लगेगा। मेन वर्ब के रूप में है, तू लगा रहा है, बिल्कुल सही। क्लियर? याद रखिएगा, यहां पर हमने जोड़ दिया कि वहां जाने की आवश्यकता है, अब लगाइए न लगाइए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बात बिल्कुल सही लिखी है। याद रखिएगा कि मेन वर्ब के रूप में अगर प्रयोग किया गया है एज अ मेन वर्ब, तब तो इन्फिनिटिव लगेगी, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो। लेकिन जब मेन वर्ब रूप में प्रयोग नहीं है तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी इन्फिनिटिव नहीं बनेगा। यदि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है तो चाहे डेयर हो चाहे नीड हो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कभी भी इन्फिनिटिव नहीं बनता, टू नहीं लगेगा। ये इंट्रोगेटिव, नीड सी को दिया, क्या वहां जाने की जरूरत है, नीड लगा है, डज से नहीं स्टार्ट है, इसलिए यहां पर टू नहीं लगा। डज सी नॉट नीड, डज सी नीड टू को दिया। देखिए ये अर्थ दोनों का सेम है, यहां सिर्फ नीड है, यही मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब इधर है, लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। यहां देखिए टू को लिखा है, यहां सिर्फ गो लिखा है। मैं वही बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेन वर्ब के रूप में होगी तो इन्फिनिटिव लगेगी, टू आएगा, और अगर मेन वर्ब रूप में प्रयोग नहीं है, वही मॉडल वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, टू नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। आगे देखो, एज मार्जिनल वर्ब इट इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, ये भी मैंने लिखा है। जब मार्जिनल वर्ब के साथ आता है, मॉडल वर्ब की तरह कार्य करता है, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे ही नीड नॉट, आई नीड नॉट लिखा है, ही नीड नॉट, दोनों जगह क्या लिखा है, नीड। ये नहीं करेंगे कि यहां पर देखो ही नीड्स था, आई नीड हो गया, यहां पर नहीं करेंगे नीड्स नॉट आई नीड नॉट, नहीं, नीड नॉट ही रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मेन वर्ब रूप में जब प्रयोग करेंगे तो वहां पर आप सिंगुलर के साथ एस लगा सकते हैं। क्लियर? ये चीजें आप ध्यान से समझिएगा, आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करें, टेबल को समझ, मैंने एक तरफ से एक्सप्लेन भी कर दिया है, फिर भी आप इसको एक बार और अपने आप समझिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यूज टू जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता है, प्रेजेंट की हैबिट में इसका प्रयोग नहीं होगा। डेयर का मतलब हिम्मत करना या किसी को चैलेंज देना। जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो इन्फिनिटिव वर्ब आएगी, टू लगेगा, इन्फिनिटिव वर्ब आएगी, टू लगेगा, चाहे अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसा भी हो। लेकिन जब डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरीके है तो अफर्मेटिव में तो टू लगेगा, इन्फिनिटिव वर्ब आएगी, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कभी भी इन्फिनिटिव वर्ब नहीं आएगी। सेम कंडीशन नीड में, आवश्यकता का सेंस आता है जब किसी को किसी की जरूरत होती है, जब ये स्वयं मेन वर्ब का कार्य करेगी तो अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों कंडीशन में इन्फिनिटिव के साथ वर्ब लिखी जाएगी। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब की तरह कार्य करेगी तो सिर्फ अफर्मेटिव में तो इन्फिनिटिव देगी, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव कभी भी इन्फिनिटिव नहीं देगी। आप इसको समझिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूं। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया, चलिए अब एग्जांपल पर नजर डालते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल पर नजर डालते हैं, ध्यान से समझिएगा, अब यहीं से आप एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले मैंने लिखा ही यूज्ड टू ड्रिंक, इसका मतलब पास्ट की हैबिट, वो ऐसा काम किया करता था। ही यूज्ड टू ड्रिंक, वो किया करता था। देखो जनरल जब ऐसे सिर्फ ड्रिंक की बात आ जाए कि किसी के लिए, तो हमेशा एल्कोहल की बात आती है, वो शराब पिया करता था। ही यूज्ड टू ड्रिंक, वो पीता था, मतलब पिया करता था, उसकी हैबिट थी। ये पास्ट की हैबिट है। अब आप सोचो कि हम इसको प्रेजेंट में यूज कर ले, ही यूज्ड टू ड्रिंक, वो पिया करता है, पीता है, उसकी प्रेजेंट की हैबिट, तो तुरंत गलत हो गया। यूज टू पास्ट के हैबिट प्रकट करता है, कभी प्रेजेंट में यूज नहीं होता। प्रेजेंट में आप यूजेस टू नहीं करेंगे, सीधे आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाना पड़ेगा। ही ड्रिंक्स, वो पीता है, उसकी आदत है, वो पीता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए ही तो प्रयोग किया जाता है। आगे ही यूज्ड नॉट टू, आप ये निगेटिव है, तो यूज्ड नॉट टू हमने लगा दिया, तब भी सही है।
या डिड नॉट यूज टू लगा दिया तब भी सही, दोनों। आप यूज्ड नॉट टू लगाए, वो पहले नहीं जाया करता था, नहीं कहना करता था, दोनों का सेंस सेम है। अब ये आप यूज्ड नॉट टू लगा दिया, ये डिड नॉट यूज्ड टू लगा दिया, यहां पर ये मॉडल वर्ब की तरह है, यहां पर ये मेन वर्ब की तरह है, क्योंकि डिड लग गई एंट्री वर्ब, ये मेन वर्ब, और यहां स्वयं मॉडल वर्ब है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नीड, ये बहुत ध्यान समझिएगा, दे नीड टू डू दियर वर्ब, उन्हें अपना काम करने की जरूरत है, उन्हें अपना काम करने की आवश्यकता है। दे डू नॉट नीड टू डू, दोनों सही है, उन्हें काम करने की जरूरत है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, ये अफर्मेटिव ये निगेटिव। फिर देखो डिड दे नीड टू कम हियर, क्या उन्हें यहां आने की जरूरत थी, तीनों कंडीशन में नीड जो यूज की गई है वो मेन वर्ब रूप में, तीनों सेंटेंस में नीड मेन वर्ब रूप में यूज के लिए, मेन वर्ब एक्शन वर्ब की तरीके जो हम लोग मेन वर्ब लिखना पढ़ना उठना बैठना यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर भी आपका इन्फिनिटिव, यहां पर भी इन्फिनिटिव, यहां पर भी इन्फिनिटिव, क्लियर। तो बताने का मेरा मतलब यही था कि जब नीड का यूज एक मेन वर्ब की तरह हो, मॉडल वर्ब की तरह ना हो, तो चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, इन्फिनिटिव लगेगा तो लगेगा, अगर वर्ब आती है तो इन्फिनिटिव ही आएगा। आगे आई नीड टू गो देयर, यहां पर देखिए आई नीड टू गो देयर, यहां पर मेन वर्ब तरीके है नहीं है, ये मॉडल वर्ब की तरह यूज की गई है। अब यहां पर हमने कर दिया आई नीड गो देयर, देखिए जब मॉडल वर्ब की तरह यूज होगी तो टू लगेगा, अफर्मेटिव में तो टू लगेगा, अगर नहीं लगाया तो गलत, ध्यान समझिएगा। मेन वर्ब के रूप में जब प्रयोग होती है तो अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसा भी हो इन्फिनिटिव आएगी तो आएगी, लेकिन जब मॉडल वर्ब की तरह यूज होगी तो सिर्फ अफर्मेटिव में टू लगेगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में टू नहीं आएगा, मतलब इन्फिनिटिव यूज नहीं होगी। आई नीड टू गो ये अफर्मेटिव है तब तो बिल्कुल सही है, तू नहीं लगाया तब गलत हो गया, लेकिन देखिए आई नीड नॉट टू गो गलत है, नीड नॉट टू गो जब नीड नॉट मॉडल वर्ब की तरीके है, यहां देखिए डू नॉट नीड लिखा था तो सही था, यहां नीड नॉट लिखा है टू गो गलत है, यहां सिर्फ आएगा गो अब सही है। नीड सी टू गो देयर इंट्रोगेटिव हो गया, टू गो लगा दिया गलत हो गया, तू नहीं लगेगा सिर्फ गो आएगा। तो बात एक बार फिर से ध्यान समझिएगा जल्दी से, नीड का यूज एज अ मेन वर्ब होगा, आगे आने वाली वर्ब इन्फिनिटिव ही रहेगी, नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह होगा तो अफर्मेटिव में तो इन्फिनिटिव लगेगी, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इन्फिनिटिव नहीं लगेगी। आगे देखो देयर एज अ मेन वर्ब प्रयोग किया गया देयर से, इसीलिए ये भी याद रखना जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा तभी उसमें एस लगेगा सिंगुलर होने पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मेन वर्ब की तरह नहीं है तो कभी एस नहीं लगेगा। डेयर्स टू अपोज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का विरोध करने की उसके अंदर हिम्मत है। ही डज नॉट डेयर, देखो अब एंटी वर्ब, यहां पर भी ये मेन वर्ब, यहां पर भी ये मेन वर्ब, देखिए टू अपोज लिखा है, दोनों सही है, एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब की तरीके यूज की गई है, दोनों सही है, टू अपोज दोनों जगह, डेयर्स टू अपोज, डज नॉट डेयर टू अपोज, क्यों, ये एक्टिव वर्ब है इसका मतलब ये मेन वर्ब है, इन्फिनिटिव बिल्कुल इसी तरीके मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसा भी हो इन्फिनिटिव आएगी, लेकिन ही डेयर नॉट, ऊपर देखो डज नॉट लिखा था तो टू अपोज सही था, लेकिन डेयर नॉट लिख दिया, अब अगर टू अपोज लिख दिया तो गलत है, डज नॉट के साथ में आया तो टू अपोज सही था, लेकिन सिर्फ डेयर नॉट आ गया टू अपोज गलत है, तो सही क्या हुआ, ही डेयर नॉट अपोज, बिल्कुल नीड की तरह है, नीड और डेयर का रूल बिल्कुल सेम है, एज अ मेन वर्ब यूज करोगे, नीड और डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब करोगे, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों कंडीशन में इन्फिनिटिव ही आएगी, टू नहीं लगाओगे तो एरर है, लगाना पड़ेगा, लेकिन नीड और डेयर का प्रयोग जब मॉडल वर्ब की तरह करोगे तो अफर्मेटिव में तो इन्फिनिटिव लगेगी, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इन्फिनिटिव नहीं लगेगी। दैट्स ऑल, यही सब कुछ था, क्लियर हो गया।
आप अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ लीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए, बहुत जितने भी इसके आपको क्वेश्चंस मिले जहां पर भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन में भी याद रखिए, कन्वर्सेशन में बहुत जरूरी है, इनसे रिलेटेड एरर्स बहुत आती है, अक्सर पूछ जाता है, हम लोग एरर भी बहुत करते हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छे समझिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद भी आया होगा, और सबसे बड़ी बात आपको समझ में आया होगा। अब मैंने एक एक पॉइंट बहुत ही डिटेल से आपको बतला दिया है, एक्सप्लेन कर दिया किस करके बार बार हो चीज, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए किस तरह से हमें करना है। तो आप इनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। देखो आप इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी करते हैं अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए, और ऑल क्लिक करेंगे जिससे सारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको फिर नए वीडियो में, नए रूल्स के साथ में, वर्ब से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स लगभग मैंने सारे क्लियर कर दिए। अब हमको अगर पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनेंस वर्ब के बारे में भी हमें पढ़ना है, जहां पर हमें जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना है, तो वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक आप लगातार पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, घर में रहे और सुरक्षित रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।